हेलो दोस्तों, मैं हूँ ये वीडियो की आवाज़ एबीके और मैं आपको आज बताने वाला हूँ इंडिया की ओलंपिक जर्नी। ओलंपिक दो तरह के होते हैं, एक समर ओलंपिक और दूसरा विंटर ओलंपिक। इंडिया ने समर ओलंपिक में टोटल 28 मेडल जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज हैं। अब तक इंडिया ने विंटर ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता है। आज हम बात करेंगे समर ओलंपिक के इंडिया के मेडल विनर्स की। नॉर्मन प्रिचार्ड जो ब्रिटिश इंडिया की ओर से ओलंपिक में खेलने वाले और मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। दोस्तों, नॉर्मन प्रिचार्ड एशिया के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में 2 सिल्वर मेडल जीते थे, वो भी एथलेटिक्स में। वो एक स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा एक अच्छे एक्टर भी थे। 1904 से 1912 तक इंडिया ने कोई भी खिलाड़ी को ओलंपिक में नहीं भेजा था। 1920 में इंडिया ने 6 खिलाड़ियों को भेजा था और 1924 में इंडिया ने 14 खिलाड़ियों को भेजा था, लेकिन ये दो ओलंपिक में इंडिया मेडल जीतने में असमर्थ रही थी। अब दोस्तों, 1928 से इंडिया की ओलंपिक की जर्नी मजेदार हो जाती है। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में एंट्री होती है इंडिया के नेशनल मैन हॉकी टीम की, और ये टीम दोस्तों प्रतिभाशाली और अव्वल दर्जे के खिलाड़ियों से बनी थी। ये टीम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का पार्ट बनी और गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली नॉन यूरोपियन टीम थी। 1928 से 1956 तक इंडिया की हॉकी टीम अनबीटन रही। उन्होंने लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते और हॉकी इंडिया टीम ने 1928 से 1960 इटली ओलंपिक के फाइनल से पहले लगातार 30 मैच में जीत हासिल की थी। 1960 में फील्ड हॉकी का फाइनल गोल्ड मेडल मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था, और मैच के 6 मिनट में ही पाकिस्तान के खिलाड़ी नज़ीर अहमद बूंदा ने गोल करके पाकिस्तान को जीत की ओर लेके गए। इंडिया ये मैच में 1-0 से हार कर सिल्वर मेडल जीती थी। पाकिस्तान से हारने के बाद इंडिया के लगातार 6 गोल्ड मेडल और 30 मैचों की जीत पे पाकिस्तान ने विराम लगा दिया, लेकिन 1960 के बाद भी इंडिया रुकी नहीं और इंडियन हॉकी टीम ने 1964 में गोल्ड मेडल, 1968 और 1972 में ब्रॉन्ज जर्नी। वैसे अब 1948 में जो इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था, उसकी कहानी आपको गोल्ड मूवी में अच्छे से दिखाई गई है।